सत श्री अकाल दोस्तों, जिवें कि तुहानूं सभनूं पता है कि पटवारी दे विच 10-12 दिन रह गए एंड एक्साइज दे विच 15-17-18 दिन रह गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नाल गलबात हुई पिछले 3-4 दिनों दे विच। दैन आई रियलाइज्ड कि स्टूडेंट्स ने जिहड़ा नवें सिलेबस PSSB ने दिता सीगा, उहदे विचों दो टॉपिक जिहड़े नवें दिते सी उह नहीं कीते। हुण मैनूं नहीं पता भी क्यों नहीं कीते या करवाए नहीं है या की गलबात है। तुसीं एक बार देख लो किहड़े टॉपिक्स की गल हो रही है। भी जेडे आह दो टॉपिक्स PSSB ने नवे दिते सी, PPSC दे विच तां पहलां ही आंदे रहे सी, लेकिन PSSB ने पहली बार दिते सी। पहला टॉपिक जिहड़ा जी इनवायरमेंटल इशूज़ है ना, इहदे विच इशूज़ जिवें बायोटिक अबायोटिक वगैरह, तो इहो जिहियां चीज़ां बेसिक जिहड़ा हैगा तुहानूं इह आना चाहिए जी। तो यह ते एक चीज़ होर जो उन्होंने ऐड की, दैट इज़ साइंस एंड टैक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स साइंस एंड टैक्नोलॉजी नूं काफ़ी लगता मैं कि वो साइंस ही पढ़ी जाते हैं जी, फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो। हो सकता भी तुम पढ़ी हो, लेकिन तुहाडे चो बहुत सारे अजे होणगे जिन्होंने फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो भी पढ़ी, उही समझ रहे हैं। तो साइंस एंड टैक्नोलॉजी इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम साइंस, बेसिक साइंस है ना। तो अगर तुम ये दो चीज़ा की हुई ने तो बहुत वधिया गल है, तुहाडे लिए यह वीडियो नहीं है, तुम बंद कर सकते हो। अगर तुम ये दो चीज़ा नहीं कीतियां तो तुम कितों भी करो, लेकिन करो घट्टो घट ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उन्होंने एडा हैडिंग बना के लिखा हुआ है, ठीक है। तो हुण मौके पर अगर तुहानूं कुछ नहीं मिल रहा, वैसे तो तुम यूट्यूब पर जिवें भी तुम सर्च करो, जिथों मर्जी पढ़ लो, तुम अपने टीचर्स नूं कहो, अपने इंस्टीट्यूट्स नूं कहो, जिथों तुम GS पढ़ी हो जिथों मर्जी पढ़ लो। अगर लास्ट मोमेंट पर हिलना नहीं हो रहा तो असीं तुहाडे लई इक सोल्यूशन लैके आए हैं। वह की है जी, तुम देख सकते हो कि वैसे लक्ष्य बैच का पार्ट है साइंस एंड टैक्नोलॉजी से इनवायरमेंट इकट्ठा करके कोलैबोरेशन करके तुम्हें एक पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो इनवायरमेंटल इशूज भी कवर होंगे, थोड़ी साइंस एंड टैक्नोलॉजी भी कवर होगी। अप्रोक्सीमेटली 40 सैशन ने, 40-42 सैशन ने, 35-40 मिनट तक के सैशन है। बड़े वधिया ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन थोड़ा उस तरीके समझाया है, ठीक है। असी अदरवाइज लक्ष्य बैच का कोई भी हिस्सा अलग तो नहीं देंगे, लेकिन लास्ट मूमेंट जो स्टूडेंट्स ने यह गल कही तो एटलीस्ट यह है कि पढ़ लन, ठीक है। तो ही अलग तो दे रहे हैं जी, स्पैशल कंपनी को क्या भी हाँ भी तुम ये वाला पार्ट अलग कर दो, तो उन्होंने कह के स्पैशल एक दिन के ये चीज़ कराई है असं, ठीक है। तो ये थोड़ी एक चीज़ होर भी दे देंगे असं नाल ही, भी जिहड़ा ये स्पोर्ट्स सिनेमा ते लिटरेचर है ये 400 MCQs बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले MCQs की PDF भी थोड़ू ये बैच के दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज लक्ष्य बैच वास्ते ही सी सिर्फ, वो तो बैच 0 लेवल तो है, ठीक है। जिहड़ा सिलेबस है 22 दे विच आया हुआ है, तो 22 दे विच सी सिलेबस है ना, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही ने, तो 22-23 कह लो, कुछ भी कह लो है ना, तो 22-23 तो अकॉर्डिंगली है। तो यह थोड़े नैप तहसीलदार के लिए भी यूजफुल होगा, तो डाउनलोडेबल नोट्स ने, मतलब तुम प्रिंट भी कर सकते हो नोट्स में, तो वीडियोज़ ऐप के डाउनलोड कर सकते हो। असी लास्ट ईयर सिर्फ इनवायरमेंट का बैच किया 1200 का, लेकिन असी मतलब ए समझ लो हैल्प ही एक है ना, दोवें चीज़ा कोलैबोरेट करके ये फीस नहीं लै रहे जी। सिर्फ किन्नी फीस लै रहे हैं, 500 रुपया फीस है, ठीक है। एंड यह 90 दिन की वैलिडिटी रहेगी। तो थोड़ा भाई बैच कंटेंट्स दिखाते जिहड़े स्टूडेंट्स इनरोल करना चाहते हैं, या तो साडी एंड्रॉयड ऐप पर जाके तुसीं इन्हूं इनरोल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुसीं जिहड़े iOS स्टूडेंट्स ने, जिन्हां कोल iOS फोन है, एप्पल का फोन है, वो इलैक्ट्रिक इंग्लिश की वैबसाइट पर जा सकते हैं, www.electricenglish.in। दोवां दे लिंक जिहड़े हैगे ने डिस्क्रिप्शन च पए ने जी। बस मोटिव यही सी, यह बैनर है, तुसीं देख सकते हो, ठीक है। वैसे बस इन्ने रद्द दे रहे हैं जी, जिहड़े स्टूडेंट्स भाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, थोड़ा कितों होर मिलता है तुम कितों होर कर सकते हो। 40 सैशनस ने, रिकॉर्डेड सैशनस ने, ठीक है जी। इन्नी इनफॉर्मेशन देनी सी, थैंक यू, बाय।